छलांग लग गई और आग आसपास के में फैल गई। आगजनी से 26 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक ट्रैक्टर दो बाइक चलकर खाक हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आगजनी की घटना की सूचना रहवासियों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। तो बैतूल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और आग आसपास के कई इलाकों में फैल गई। आपको बता दें कि आगजनी से 26 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक ट्रैक्टर दो बाइक जलकर भी खाक हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आगजनी की घटना की सूचना रहवासियों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय प्रजापति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, क्या कुछ जानकारी है? जी भूमिका जी, बता दूं मैं आपको, बीते रात को तकरीबन 7 बजे गैस सिलेंडर फटने से 25 लोग इस आग से जलते हुए हैं। इनका प्राथमिक उपचार कर आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें नागपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया है। जी, इस समय दमकल जब आग हुई थी, क्या मौके पर दमकल पहुंच पाई थी? हाँ जी, वो मैं बता दूं मैं कि दमकल जो है नगर परिषद की सूचना मिलने पर तत्काल वहां पहुंच गई थी। चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बैतूल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि 26 लोग घायल हुए हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर के बसर ब्लॉक अंतर्गत गोदियापाल के 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक आहार नाम पर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है।